हाय फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने ये विम लिया है। कभी कभी हम बर्तन धुलते हैं मतलब तो बहुत जल्दी साबुन गल जाता है और साबुन पूरे हाथ में लग जाता है। इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। उसके पहले मेरे वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से हम कुछ ऐसा सामान लेंगे, इसको अच्छे से हम गर्म कर देंगे गैस पे। एक ही बार गर्म करना है, बार बार गर्म नहीं करना, एक ही बार में आराम से इसमें होल बन जाएगा। ये देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम ऐसे होल बना लेंगे छोटे छोटे से। ये देखिए अच्छे तरह से ऐसे ही होल बना लेना है। ये देखिए पूरे में बन गया, मैंने 5 होल बनाया है। तो ऐसे बनाइएगा, ये पानी इससे गिर जाएगा तो आपका साबुन कभी भी गलेगा नहीं। जब सब्जी हम कट कर लेते हैं और धुलने की बारी आती है तो उसको हम 2 बर्तन लेते हैं। तो आप इस तरह से एक बर्तन लीजिए और उसमें बहुत अच्छे से ये धुल जाता है। देखिए कितने अच्छे से ये धुल जाता है। आपको इजीली ये कहीं भी मिल जाएगा, मार्केट में ले लीजिए या कहीं भी आपको अच्छे से ये मिल जाएगा। और ये देखिए अच्छे से ये धुल भी जाता है, इसका पानी गल जाता है और एकदम से सूखा सूखा सब्जी आपका हो जाता है। अब आते हैं हम सोफे के कवर पर। हम अगर कवर ये बिछा देते हैं तो इस पर बैठो तुरंत ही ये निकल जाता है, हमको बार बार इसको सही करना पड़ता है। तो फ्रेंड इसके लिए आप एक पिन लीजिए और उसको एक किनारे पर इस तरह से लगा दीजिए। आप देख रहे हैं आपको ऐसे दूसरे किनारे पर इसको लगा देना है। ये आपको हफ्ते भर नहीं निकलेगा। जब आपको धुलना हो तो इसको पिन को निकाल दीजिए और आराम से इसको धुल लीजिए, बहुत ही ईजी है ये। अब आते हैं हम ऊपर की तरफ। ये भी बहुत जल्दी जल्दी जैसे हम रख बैठते हैं तुरंत ये भी निकल जाता है। इसको भी एक सेफ्टी पिन लेना है और इसको मतलब हल्का सा हम जो वो नीचे वाला इसको इस तरह से पकड़ते हैं और इस पे अच्छे से हम पिन एक ही पिन लगाएंगे। ये भी आपका हफ्ते तक सेट रहेगा और निकलेगा नहीं। जब आपको धुलना है तो सेफ्टी पिन निकालिए और इसको धुल लीजिए। ये देख सकते हैं फ्रेंड मैंने लगा लिया है। अब मेरा कहीं से भी ये देख लो, मैं खींच के दिखा रही हूँ, कहीं से ये भी निकल नहीं रहा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।